डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास सिक्स की इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेसन टू पढ़ाएंगे। लेसन टू का नाम है द लिटिल फायर ट्री। लेसन टू का नाम है द लिटिल फायर ट्री। फायर ट्री किसे कहते हैं? फायर ट्री का मतलब है देवदार का पेड़, छोटा देवदार का पेड़। इस लेसन में हमें देवदार पेड़ के बारे में बताया गया है। लिखा है, वंस देयर वाज अ लिटिल एंड प्रिटी फायर ट्री ऑन द स्लोप ऑफ द हिल। वंस माने एक बार, देयर माने वहाँ, वाज माने था, ए लिटिल एक छोटा, एंड प्रिटी फायर ट्री और प्रिटी मीन्स सुंदर, फायर ट्री देवदार का पेड़, ऑन द स्लोप, स्लोप मीन्स ढाल, ऑन द स्लोप ढाल पर, ऑफ द हिल, हिल मीन्स पहाड़ी, पहाड़ी की ढाल पर, एक बार वहाँ पहाड़ी की ढाल पर, एक छोटा और सुंदर देवदार का पेड़ था। व्हेन इट लुक्ड एट द अदर ट्रीज इट बिकेम सैड। व्हेन माने जब, इट माने उसने, लुक्ड एट देखने का प्रयास किया, द अदर ट्रीज दूसरे पेड़ों को, जब उसने दूसरे पेड़ों को देखने का प्रयास किया, इट बिकेम सैड, सैड माने दुखी, वो दुखी हुआ, जब उसने दूसरे पेड़ों को देखने का प्रयास किया तब वो बहुत दुखी हुआ। दीज ट्रीज वेयर फुल ऑफ ग्रीन लीव्स। दीज माने ये पेड़, दीज ट्रीज ये पेड़, वेयर फुल ऑफ ग्रीन लीव्स, लीव्स माने पत्तियाँ, ये पेड़ हरी पत्तियों से भरे हुए थे। मैनी बर्ड्स कई पक्षी हैड बिल्ट दियर नेस्ट इन देयर ब्रांचेज इन व्हिच दे लिव्ड विद देयर यंग वंस। मैनी बर्ड्स कई पक्षियाँ हैड बिल्ट बनाते हैं देयर नेस्ट अपने घोंसले इन देयर ब्रांचेज, ब्रांचेज मीन्स शाखाएँ, कई पक्षी उनकी शाखाओं पर अपने घोंसले बनाते हैं, इन व्हिच जिसमें, दे लिव्ड वे रहते हैं, विद देयर यंग वंस अपने छोटों के साथ रहते हैं, कई पक्षी उनकी शाखाओं पर अपने घोंसले बनाते हैं जिसमें वे अपने छोटों के साथ रहते हैं। बट लेकिन ऑन द कंट्रेरी द फायर ट्री रिमाइंडेड डिजर्टेड। बट लेकिन ऑन द कंट्रेरी इसके विपरीत द फायर ट्री रिमाइंडेड डिजर्ट, लेकिन इसके विपरीत देवदार का पेड़ वीरान रहता है। डिजर्ट मीन्स वीरान। लेकिन इसके विपरीत देवदार का पेड़ वीरान रहता है। माई लीव्स आर स्पाइकी एंड लॉन्ग। स्पाइकी मीन्स कांटेदार। मेरी पत्तियाँ लंबी और कांटेदार हैं। नो बर्ड्स कैन बिल्ड इट्स नेस्ट इन माई ब्रांचेज। कोई भी पक्षी मेरी शाखाओं पर अपना घोंसला नहीं बना सकते। कोई भी पक्षी मेरी शाखाओं पर अपना घोंसला नहीं बना सकते। हाउ गुड मतलब कितना अच्छा होता। इट वुड बी इफ गॉड हैड गिवन मी ग्रीन एंड सॉफ्ट लीव्स क्राइड द फायर ट्री। कितना अच्छा होता कि यदि भगवान हमें
हरी और मुलायम पत्तियां देता। क्राइड द फायर ट्री, देवदार का पेड़ रोया। देवदार का पेड़ रोया, उसने कहा कितना अच्छा होता कि यदि भगवान ने मुझे भी हरी और मुलायम पत्तियां दी होती। अब आप सभी इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।